हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के टॉपिक की, जिसमें देखेंगे वर्ग काउंट करना। दोस्तों आपको यहां पर देखो बॉक्स दे रखे हैं और कितने वर्ग हैं इसमें ये आपको काउंट करने हैं, जैसे 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5। तो दोस्तों ये छोटा बॉक्स था तो इसमें हमने बड़ी आसानी से काउंट कर लिए कि 5 वर्ग हैं, लेकिन जब आपको बड़ा वर्ग दे दिया जाए तो आप उसमें कैसे काउंट करेंगे, वही ट्रिक हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। कैसा भी वर्ग आपसे पूछ लिया जाए, कितना भी कठिन हो, 2 सेकेंड में आप उसे हल कर देंगे। तो क्या ट्रिक रहती है इसे सॉल्व करने की, चलिए देख लेते हैं। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले एक चीज़ देखनी होगी इसमें। देखिए ये वर्ग है 1 2, आपको करना क्या होगा, आपको रो और कॉलम चेक करने होंगे, मतलब इस तरह से और इस तरह से आपको चेक करने होंगे रो और कॉलम के बराबर हैं या नहीं। ये बराबर होने चाहिए दोस्तों, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो इसमें क्या है दोस्तों, रो भी बराबर हैं और कॉलम भी बराबर है, मतलब 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो आपको इसमें करना क्या होगा, इसे करने की जो ट्रिक है वो है, देखिए 1 का कीजिए स्क्वायर क्योंकि 1 है, दूसरा है 2 का कीजिए स्क्वायर क्योंकि 2 रो हैं। ठीक है दोस्तों, 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो दोनों को हमने प्लस कर दिया, काउंट कर दिया, कितना हो जाएगा 5, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कितने वर्ग हैं दोस्तों, इसमें है 5 वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये समझ में नहीं आया है तो एक और यहाँ पर बना हुआ है, इससे आप समझ जाएंगे। करना क्या होगा, ये चेक करना है और ये चेक करना है, आपको वर्ग रो और कॉलम बराबर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 1 2 3, रो में 3 है, 1 2 और 3, मतलब ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो यही वाला फंडा इसमें लग जाएगा। 1 का स्क्वायर कीजिए प्लस 2 का स्क्वायर कीजिए प्लस 3 का स्क्वायर कीजिए, मतलब जितने रो हैं उतने का स्क्वायर कीजिए, ये 1 2 और 3। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इन्हें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 1 और 4 5, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गया होगा, यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और यहाँ पर बना हुआ है वर्ग, उससे समझ जाएंगे। आपको सही चेक करना है वर्ग में रो और कॉलम इसमें बराबर होने चाहिए, जब दोस्तों बराबर नहीं होंगे तब भी हम आपको समझाएंगे, अभी बराबर वाला देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 रो हैं और 1 2 3 और 4, इसमें 4 कॉलम है, तो इसका मतलब चारों बराबर हैं, चारों तरफ से बराबर, तो वही करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 हैं तो 4 तक करेंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 1 4 5 हो जाएगा, 9 14 हो जाएगा, 14 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो आपसे कैसा भी वर्ग पूछ लिया जाए, वही हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में, कैसा भी वर्ग आपसे पूछ लिया जाए उसे आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, 2 सेकेंड में सॉल्व कर देंगे, बिना देखे बिना पेन और पेपर के आप उनसे सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों इससे समझ गए होंगे, इससे समझ गए होंगे, इससे भी समझ में होंगे। अब हम आपको बताएंगे जब आपको रो और कॉलम बराबर नहीं दे रखी होंगी तब आप उसे कैसे हल कर लेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब देखेंगे दोस्तों अगला वाला, अगला है दोस्तों आपका, देखिए इसमें दे रखा है आपको 1 2 3, मतलब वर्ग दे रखा 1 2 3, ऐसे काउंट करते हैं और ऐसे काउंट करते हैं। ठीक है, 1 2 3, 3 रो दे रखी हैं और 1 2 2 कॉलम दे रखे हैं, तो ये बराबर नहीं है पहले के जैसे, तो ये पहले के जैसे सॉल्व ही नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, इन्हें करने का तरीका अलग रहेगा, जब बराबर होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने बता दिया, जब बराबर नहीं होते हैं वो देख लीजिए। तो देखिए आपको करना क्या होगा, ये लास्ट वाला है कॉलम और ये लास्ट वाली रो है, तो आपस में दोनों का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, मतलब 3 × 2 करेंगे। ठीक है दोस्तों, और हम इसे जब तक करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे समझ लीजिए 3 × 2 कर दिया, बीच में प्लस का साइन लेंगे, फिर 3 में से एक कम करेंगे 2, फिर 2 में से एक कम करेंगे 1। ठीक है, जब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक आपका 1 नहीं आ जाएगा। समझ में नहीं आया दोस्तों, मैं फिर से समझा देता हूँ, आपस में मल्टीप्लाई करना, लास्ट वाले कॉलम का लास्ट वाले रो का आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने का एक कम करके जब तक करना है जब तक आपका 1 नहीं आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, 3 2 का कर दिया, अब 3 प्लस साइन लेना है बीच में, 3 का एक कम करके लिखेंगे 2, 2 का एक कम करके एक, एक आ गया। अब देखिए आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बराबर कितना हो जाएगा 8, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा।
अगर नहीं समझ में आया तो एक और यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, इससे आप समझ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, तीन कॉलम है। तो ये वाला और ये लास्ट वाले का आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 5 × 3 करना होगा। ठीक है दोस्तों, 5 × 3 करना पड़, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 5 × 3 करेंगे, बीच में प्लस का साइन लेंगे और जब तक करेंगे जब तक आपका 1 नहीं आ जाएगा। तो 5 में से कम करके लिखेंगे 4, मल्टीप्लाई 3 में से कम करके लिखेंगे 2, फिर से प्लस का साइन लेंगे, 4 में से कम करके लिखेंगे 3 और 2 में से कम करके लिखेंगे 1। तो आपको 1 नहीं आ जाए तब तक आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, अब ये 5 दिया हो जाएगा 15 प्लस 4 दुनी हो जाएगा 8 प्लस 3 एकम हो जाएगा 3। अब इसे आप प्लस कर दीजिए, 15 8 हो जाएगा 23, 23 और 3 हो जाएगा आपका 26। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 26 और यही होगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या होगा, लास्ट वाले का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने का 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से एक प्लस का साइन बीच में रखिए क्योंकि सबको आपको प्लस करना है, फिर एक कम करके लिखेंगे मल्टीप्लाई में, फिर एक कम करके लिखेंगे। यहाँ तक हो गया 4 2 का, फिर 4 से एक कम करके लिखेंगे, अगर यहाँ से भी आगे होता तो 3 से एक कम करके लिखते 2। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आपको हम आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं, उसे देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, ये छठा एग्जाम्पल है, इसे देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3 और 4, चार कॉलम है। तो वही करेंगे दोस्तों, लास्ट वाले का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, मतलब 6 × 4 करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए करेंगे कब तक करेंगे इसे, 6 × 4 प्लस का साइन लेंगे, फिर 6 से कम करके लिखेंगे 5, मल्टीप्लाई फिर 4 से कम करके लिखेंगे 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया, फिर प्लस का साइन लेंगे, फिर 5 से कम करके लिखेंगे 4, मल्टीप्लाई फिर 3 से कम करके लिखेंगे 2। यहाँ तक हो गया, फिर प्लस का साइन लेंगे, फिर 4 से कम करके लिखेंगे 3, फिर 2 से कम करके लिखेंगे 1। तो हमें जब तक करना है जब तक 1 नहीं आ जाए। ठीक है दोस्तों, 1 आ गया, अब आपस में सबका मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 4 हो जाएगा 24 प्लस 5 दिया 15 प्लस 4 × 2 = 8 प्लस 3 × 1 = 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप इसे सबको ऐड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 15, 8 और 3 कितना होता है, 26, पहले हमने काउंट किया था 26, 26 में 24 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 50। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका भी आपकी समझ में आ गया होगा, जब आपको रो और कॉलम बराबर नहीं दे रखे होंगे तब कैसे सॉल्व करना है, तो ये तरीका भी दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपको वर्ग काउंट कर रहे हैं, कितने वर्ग हैं, और ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और दोस्तों रेलवे का एग्जाम होने वाला है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमने और भी वीडियो बनाए हैं काउंटिंग फिगर के, वो देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे कैसे हल करना है, इसे हल कर लेंगे, ये एक बहुत अजीब सा आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मत घबराइए। सबसे पहले आप इस पर किस पर ध्यान देंगे, ये जो बड़ा वाला स्क्वायर दे रखा है आप इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर करता हूँ 1, 2, 3, इसमें कितनी रो है, 3, और 1, 2, 3 इसमें कितनी रो है, मतलब 3 रो है, 3 ही कॉलम है। तो हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था, जिसमें बराबर होते हैं 3 रो 3 ही कॉलम, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आपको एक बड़ा वाला बॉक्स दे रखा है, इसमें 3 ही रो है 3 ही कॉलम है, तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5 और ये हो जाएगा 14। ठीक है दोस्तों, ये 14 हो गया, ये आपने बड़ा वाला स्क्वायर यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब बचा किसके पास, आपके पास क्या, 1, 2, 3 और 4, जो बाहर वर्ग निकले हुए हैं वो बचे, कितने हैं 4, 4 वर्ग ये हैं, तो आप ये 4 वर्ग और इसमें काउंट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 14 और 4 हो जाएगा 18। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा, मैं फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बड़ा वाला वर्ग दे रखा है, आप इसको काउंट कर लीजिए। सबसे पहले ये बड़ा वाला वर्ग काउंट कर लीजिए, जो आपको इसमें दिया गया है, 3 रो दी गई हैं और 3 ही कॉलम दिए गए हैं, तो ये बड़ा वाला वर्ग आपने काउंट कर लिया, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर बाहर जो निकले हुए हैं ये बचे, इन्हें आप काउंट कर लीजिए, या आपका आंसर हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपकी समझ में अभी भी नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, आप पूछ सकते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आठवां क्वेश्चन है। यहाँ पर एक आपको वर्ग दिख रहा है और चार वर्ग इसमें बाहर निकले हुए हैं और बीच में लाइन दी हुई है दोनों तरफ से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस लाइन से कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस लाइन का कोई भी मतलब नहीं है इस वर्ग में। इस लाइन का इस वर्ग में कोई भी मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लाइन दी गई है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इससे आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, आपको क्या करना है इसे हल करना है। तो इसे हल करने का वही तरीका देखेंगे, जो बड़ा वाला वर्ग दे रखा है बीच में उसे काउंट कर लेंगे, जो बड़ा वाला वर्ग है ना उसे काउंट कर लेंगे। तो एक दो तीन चार, चार रो हैं इसमें, एक दो तीन चार, चार ही कॉलम है। तो उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, उसी तरीके से बड़े वाले वर्ग को हम काउंट कर लेंगे। तो कर लीजिए, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब देखिए, वन का स्क्वायर आ जाएगा वन, टू का स्क्वायर आ जाएगा फोर, थ्री का स्क्वायर आ जाएगा नाइन और फोर का स्क्वायर आ जाएगा आपका सोलह। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, एक चार पाँच नौ चौदह, चौदह और सोलह हो जाएगा आपका तीस। कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा आपका तीस। लेकिन अभी तक ये आपका आंसर नहीं हुआ है, ये अभी तक आपका आंसर नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, जो बाहर स्क्वायर निकले हुए हैं इन्हें भी तो काउंट कीजिए। तो एक दो तीन चार, चार स्क्वायर ये हैं आपके, तो इन चारों को ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा आपका चौंतीस। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए तो बिल्कुल भी मत घबराइए। आपको करना क्या है, जब आपको रो और कॉलम बराबर दे रखे हैं तो आप रो और कॉलम की जो करने की ट्रिक है उससे आप हल कर लीजिए। यदि आपको रो और कॉलम बराबर नहीं है बीच में तो जो हमने दूसरी ट्रिक बताई थी उससे आप हल कर लीजिए। तो ये लाइन से आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, कि लाइन दे रखी है इसे करने का तरीका कोई और होगा, इसे करने का कोई और तरीका नहीं है, इसी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका नाइन। ये देखेंगे आप, वर्ग के अंदर वर्ग बने हुए हैं, ये एक बड़ा वाला वर्ग है, फिर उसके अंदर ये छोटे वाले वर्ग बने हुए हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे भी देखो दोस्तों बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखें, वन टू, दो रो हैं इसमें और वन टू दो ही कॉलम है, दो रो हैं और दो ही कॉलम है। तो कितने हो जाएंगे ये वर्ग, ये हो जाएंगे आप एक का स्क्वायर करेंगे प्लस टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर दोस्तों एक होता है प्लस दो का स्क्वायर चार होता है, तो ये कितना हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका पाँच। अब ये वाला एक वर्ग है, एक रो है एक कॉलम है, तो ये वाला भी तो एक रो एक कॉलम है, मतलब एक दो और एक दो, मतलब एक रो है दो ही कॉलम है इसमें भी, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, पाँच हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, करके देख लेते हैं, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक और दो का स्क्वायर चार, तो ये भी कितना हो जाएगा, पाँच, ये भी हो जाएगा पाँच। तो पाँच ये वाले छोटे वाले वर्ग और पाँच ये बड़ा वाला वर्ग, तो कितना हो जाएगा टोटल, पाँच को इस पाँच को दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल आपका दस। कितने हो गए इसमें, दस। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही बिल्कुल ये वाला सॉल्व करना है। देखिए, पाँच इस वाले में बनेंगे पाँच और पाँच इस बड़े वाले में बनेंगे, इससे बड़े वाले में पाँच और पाँच फिर इससे बड़े वाले में बनेंगे, तो कितने हो जाएंगे, ये तीनों को ऐड कर दीजिए, हो जाएंगे दोस्तों पंद्रह। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए, एक दो, दो रो हो गए इसमें, एक और दो कॉलम हो गए, तो इसमें कितने बनेंगे, पाँच, क्योंकि इसमें भी पाँच बनने थे तो इसमें भी पाँच बनेंगे। अब देखिए, इससे बड़े वाले में पाँच बनने थे इसमें, तो इसमें भी पाँच बनेंगे और फिर इसमें भी पाँच बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे टोटल, पंद्रह। तो इस तरीके से आप करके देख लेना, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप करके देख लेना, पंद्रह इसका आंसर आ जाएगा। पाँच इस वाले में बनेंगे, पाँच इस वाले में और पाँच ही आपके इस वाले में बनेंगे, तो पंद्रह दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा, जब वर्ग के अंदर वर्ग दे रखा तो कैसे करना है। अब देखेंगे दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर एक वर्ग दे रखा है आपको, किस तरीके का वर्ग दे रखा है, वर्ग के अंदर वर्ग दे रखे हैं चार चार। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे हल करने का क्या तरीका रहेगा, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, एक दो तीन चार, ये अंदर वाला वर्ग है, इसमें कितने स्क्वायर होंगे, इसमें पाँच स्क्वायर होते हैं, हमने पहले करके देखा था, इसमें पाँच स्क्वायर होंगे, तो पाँच इसके हो गए, पाँच इसके हो गए और पाँच इसके हो गए और पाँच इसके हो गए। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने हो गए, ये हो गए आपके बीस स्क्वायर, पाँच इसके पाँच पाँच, ये हो गए आपके बीस। अब देख करना क्या होगा आपको, ये बड़ा वाला स्क्वायर रह गया है और एक ये बड़ा वाला स्क्वायर होगा जो हमें रो और कॉलम में आपको फिट करना है। तो ठीक है, इस ये एक ये वाला स्क्वायर है, एक दो तीन चार, ठीक है, अब एक दो तीन चार, मतलब चार ही आपकी इसमें रो हैं और चार ही आपकी इसमें कॉलम है। ठीक है फ्रेंड्स, चार रो हैं और चार ही कॉलम है, तो इसे कैसे हल करेंगे,
एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर। ठीक है, अब एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, तीन का स्क्वायर नौ हो जाएगा, चार का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर लीजिए। देखिए एक और चार पाँच नौ चौदह सोलह, सोलह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 30 ये और 20 ये, मतलब 30 और ये 20 प्लस कर दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा टोटल 50। तो कितने स्क्वायर हैं इसमें 50, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या किया इसमें, ये छोटे वाले स्क्वायर काउंट कर लीजिए, एक दो तीन चार और एक ये बड़ा वाला पाँच, एक दो तीन चार और एक ये बड़ा वाला पाँच, तो पाँच और पाँच दस पंद्रह, पाँच हो गए आपके ये 20। अब रह गया दोस्तों एक ये बड़ा वाला एक हो गया, ये रो हमने काउंट कर लिया इस तरह से, ये कॉलम काउंट कर लिया इस तरीके से। यदि आप इसे ऐसे हल करते पाँच इसके और पाँच इसके, ठीक है, जो हमने पहले किया था छोटे में, तो 10 ये लेके चलते, 10 ये 20, 10 ये 30 और 10 ये 40, तो आपका आंसर गलत हो जाता। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर गलत हो जाता। तो आपको क्या करना है, छोटे वाले काउंट करने के बाद ये रो आपने काउंट कर ली, ये कॉलम काउंट कर लिए, उसके बाद आपका कितना आंसर आया 30 और 20 पहले जोड़ दिए तो 50। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में अभी भी नहीं आया तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, यदि समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।